फौरन से गाड़ी निकलवाओ। जी हजूर। रोशन आरा, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ बल्कि बादशाह बेगम भी हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। बादशाह बेगम दिन के 7 पर्दों में किसी को दिखाई नहीं देती, वो रात के अंधेरे में मुंह छुपाए निकल जाती है। वो तुम अपनी हदें पार कर रही हो रोशन आरा। मैं अपनी हदें खुद तय करती हूँ। हुजूर गाड़ी लग गई। कोई गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे नहीं मानो। छोड़ो मुझे, अंदर चलो। तारे, आइंदा ऐसा मत करना, मैं बार बार नहीं आ पाऊंगी। अब मैंने काला जोड़ा भी पहन लिया। वो तो नजर आ रहा है मुझे। गुलजार, मैंने तेरी बात पे बहुत गौर किया, बहुत सोचा है इसके बारे में। हमारे यहां से चला जाना ही बेहतर होगा। तू हमेशा देर कर देता, ये बात तो पहले भी कह सकता था ना। अब भूल जाओ, यही मेरा नसीब है। कैसे भूल जाऊं मैं? मेरे ठीक रह की मांग है तू थी। अब मैं खादमा खास हूं, वो भी बादशाह बेगम की। देख गुलनार, हम शहर चले जाएंगे भाई के पास। वैसे भी पीरापुर में हमारे लिए कुछ खास बचा नहीं है। वो तुझे भूखे कुत्तों के आगे डाल देंगे, सिद्ध मत कर। तू मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती ना, क्या हो क्या गया तुझे? पहले तो बड़ी बहादुर बनती थी, बड़ी जीदार, अब क्या हुआ? पहले की बात और थी, प्यार करती हूं इसीलिए कह रही हूं, अपनी जान खतरे में मत डाल। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, मेरी जान, कसम से बोलना, अगर तू मुझे ना मिली ना, मैं जी नहीं पाऊंगा। तू बस तैयार रहना, मैं आऊंगा तुझे लेने, फिर हम दोनों यहां से दूर चले जाएं। बहुत दूर। मगर कैसे? देखो यार, मैं भी तो हिम्मत कर रहा हूं ना, थोड़ी तू भी हिम्मत कर ले अपने लिए, मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। गुलनार